एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। आप आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं निकली मौसम अच्छा देख के बारिश कीचड़ में, मतलब जो कीचड़ होती है दिल नहीं करता निकलने का। फिर भी मेरी बहन ने बोला नहीं चलो सैंडल लेना है, बहुत सी चीज़ें वो चेंज भी करानी थी। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो मैं और मेरा भाई और वो साथ में चले गए। तो हम लोग को यहाँ पे पहले कोट चेंज कराना था अपने भांजे का, बट अफसोस ये कितनी मेहनत से आया बट चेंज नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ इनके पास साइज़ नहीं था। उन्होंने कहा यही साइज़ मिलेगा, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी इनकी मार्केट है, शालू मार्केट, सॉरी शालू इनकी शॉप का नाम है, मार्केट कह रही सॉरी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे अच्छे इनके पास रहते हैं, बच्चों के भी और लड़कियों के भी हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा येलो ड्रेस है। तो यहाँ पे हम लोगों को तो कुछ नहीं लेना था, सिर्फ चेंज कराना था। देन उसके बाद हम लोग निकल गए अपने लिए सैंडल लेने। तो यहाँ पे सैंडल एक बाबा शॉप है, बहुत ही अच्छी प्राइस में सैंडल मिलती है। तो चलिए आपको भी मैं बाबा शॉप ले चलती हूँ। और यहाँ मैं जा रही हूँ तो हूँ, मतलब काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ क्योंकि अक्सर मम्मा साथ आती थी, बट अब इतनी बड़ी हो गई खुद से शॉपिंग करने लगी। पहले मम्मी लेके आती थी, बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको पहुँच के दिखाऊंगी कि वो चीज़ क्या है। वो हर लड़की को पसंद आएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे पसंद आती है, ऐसा नहीं है, बट वो हर लड़की को पसंद आएगी। और यहाँ पे वो चीज़ है जो मुझे पसंद आती है, सेल। और सेल में एक से एक सैंडल रहती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। और इनके यहाँ एक दाम है, और जो सेल में लगी थी वो 400 रुपये में, मतलब 400 की थी। तो इस बात की भी खुशी थी कि चलो जो अच्छी लगी तो ज़रूर ले लूँगी, 400 ही की तो है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सैंडल बहुत ही कम पहनती हूँ क्योंकि मेरे पैरों पे अच्छी नहीं लगती, रीज़न यही है। अच्छा तो यहाँ पे मैं इस कलर का पूछ रही थी, गोल्डन दिख रही, मुझे ब्लैक चाहिए थी, इनके पास ब्लैक नहीं थी। ज़्यादातर जो जो पसंद आ रही थी उसमें कोई इनके पास ब्लैक नहीं बची थी। मुझे मैरून भी पसंद आई तो इनके पास ब्लैक में नहीं थी। मैंने पूछा कि भाई कब आएगी, तो उन्होंने कहा एक हफ्ते बाद, बट शादी सीज़न अभी चल रहा है, मतलब मेरे यहाँ जो दावतें हैं अभी की हैं, तो मैं एक हफ्ते बाद क्या करूँगी लेके। तो मैंने इसी को ट्राई किया पहन के, देखा कि अच्छी लग, तो ये अच्छी लग रही थी मुझे, मतलब मेरे पैरों पर बहुत अच्छी लग रही थी, तो मुझे ये अच्छी लगी। फिर देन मेरी बहन ने मुझे एक ये था मादी की, देखो ये भी ट्राई करके देखो, और ये बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह सैंडल है, मतलब ऐसा बोल रही जैसे उसकी शक्ल मिल रही हो। तो हुआ तो अगर उसने व्लॉग देख लिया तो पीट डालेगी। तो उसके पास ब्लैक है और ये मेरे पास मैरून रहेगी। और यहाँ पे मैं आपको एक दाम दिखा रही हूँ, उनका 400 है। 400 में आप कोई भी सैंडल पसंद कर लो, नागरा है, ऐसे स्लीपर टाइप की भी है, एकदम फिक्स है 400। और यहाँ पे मैंने इसको ट्राई किया, देन मुझे ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके पास मेरे दोस्त के पास ब्लैक में, तो मुझे तो इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने नहीं इसको लेना ही है, तो मैंने ले लिया। क्योंकि अब मेरे साथ क्या होता है, मैं सैंडल ले लेती हूँ, बड़े बड़े ब्रांड से भी लिया, ऐसा नहीं है कि मैं सेल ही लेती हूँ, ऐसा नहीं, ब्रांड से भी लिया, बट मेरे पैरों पर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। बट मैंने यहाँ पे ट्राई किया और सब मेरा मुंह देख रहे थे, ऐसा लग रहा था वॉक पे चल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये एक ले ली, मुझे मतलब बहुत ही अच्छी लगी तो मैंने ले ली। एंड मेरी सिस्टर ने जिससे पहले मैंने पहनी थी उसने भी वैसी सेम ली। हम लोग का ऐसा हो रहा था कि सेम हो रहा था, बस कलर भी सेम था, बट क्या था कि साइज़ डिफरेंट है एंड उसने जो डिज़ाइन दी वो अलग है, उसकी मेरी अलग है, बट कलर सेम था। तो यहाँ पे हम लोग बस आपको शुक्र है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी सैंडल है। अगर आप लोगों को लेना तो जाइए बाय करिए। और यहाँ पे मेरा दिल कर रहा था कुछ और लेने का, तो मैंने कहा नहीं एक और सैंडल ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैं बाहर की तरफ गई, बाहर भी सेल लगाते हैं लोग, तो मैं बाहर की तरफ, मैंने कहा चलो बाहर चल के देखते हैं। तो मैं बाहर भी देख रही थी, मेरी एक सिल्वर कलर पे सैंडल पे नज़र पड़ी, वो भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा वो भी ले लेते हैं। तो एक साथ दो दो मैंने सैंडल वहाँ से बाय की। और यहाँ पे चल के देख रही थी, मैं चल के इसलिए देख रही थी कि कहीं मेरा पैर तो नहीं मुड़ जाएगा, क्योंकि मेरे साथ यही होता है, मैं सैंडल ले तो लेती हूँ
पर मुझे चला नहीं जाता, स्पेशली शादी के हमें बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने भी पहन मैंने ये वाली मेरा 800 हुआ, अच्छी लग रही थी। तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कितना हुआ, तो उन्होंने कहा आपका हुआ 650 मतलब 650, और मेरी सिस्टर का सिर्फ 4 हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ पे पैसे अलग अलग पे किए, कि उसने अपना अलग दिया मैंने अपना अलग दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे करने के बाद हम लोग निकल गए कुछ खाने के लिए। तो वहाँ पे खाने से ज़्यादा स्कैम ये हो गया, मेरी सिस्टर को अपना कुछ चेंज कराना था वॉच का। तो वहाँ कहना कि नहीं पहले वहाँ चलो फिर कुछ खाने चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप जो कहें महारानी है आप बड़ी बहन है तो चलिए जहाँ ले चलिए। तो यहाँ पे वो वॉच के लिए ढूंढ रही थी एक शॉप की वॉच के लिए मिल जाए उसको, स्मार्ट वॉच का अपना स्मार्ट वॉच का पट्टा चेंज कराना था, उसको चैन में लाना है कि मुझे चैन वाली चाहिए। मतलब लोग पहले ऑनलाइन मंगवाते हैं फिर उनको पसंद नहीं आती फिर चेंज कराते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं। तो इसमें मेरी बहन भी आती है, मतलब कुछ ही दिन हुआ होगा उनकी स्मार्ट वॉच को, बट उनको चेंज करना बहुत अच्छी है। खैर मुझे नहीं चेंज कराना था। देन हम लोग यहाँ पे कटले खाने जा रहे थे, फिर मेरी बहन आगे बढ़ गई कि नहीं अब चलो हम लोग कोलकाता बाज़ार चलते हैं। वहाँ पे हम लोग को कोलकाता बाज़ार में मुझे ये देखना, मैं कभी नहीं आई, मतलब शायद एक बार आई होंगी याद नहीं मुझे, मतलब ऐसे तो कभी नहीं आई यहाँ पे मॉल पे। तो मैंने ट्राई किया, मैंने बहुत जल्दी यहाँ पे क्लिप लिया है क्योंकि मुझे बस ये देखना था यहाँ पे कपड़े कैसे, बट मुझे यहाँ कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, जो बाद मैं सच बता रही मुझे नहीं अच्छे लगे। और यहाँ पर जो लिखे हैं 599, मगर जो मेन रेट उसमें लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा लगे हुए हैं। तो वो दिखने में जैसे एक नहीं कहा जाता दिखने का कुछ और होने का कुछ है वगैरह वगैरह, तो ऐसे ही था। तो यहाँ पे मैं अपने लिए लेडीज़ में चली गई कि लेडीज़ में देखते हैं कैसा है, जेंट्स का तो उतना अच्छा नहीं था बट लेडीज़ में भी इतने अच्छे नहीं थे। जल्दी जल्दी मैंने देखा, तो क्विकली आप भी देख लिया और म्यूज़िक के साथ मज़े लीजिए। जो मुझे पसंद आ रहे थे उसके रेट तो छोड़िए, जो दिखा रहे हैं वो है नहीं उसमें, ये तो मैं बता दे रही हूँ फाइनली आपको, ये 799 दिखा रहे हैं बट सबके प्राइस अलग अलग हैं। और जो मुझे पसंद आ रहे थे उसमें साइज़ ही नहीं मिल रही थी मेरी, तो मैंने नहीं लिया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जब नहीं मिली तो फ़ायदा क्या ले जाके फिर वापस करना पड़ेगा। और मुझे सबसे अच्छा मॉल जो है ज़्यादातर अच्छा मॉल लगता है मुझे विशाल एंड वी मार्ट, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं। यहाँ तो मेरा फर्स्ट टाइम था बट आई होप सो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग जा सकते हैं। जल्दी जल्दी बस मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्लिप ली एंड देन हम लोग फिर हमने कहा जब लेने ही है तो टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ से फिर हम लोग निकल गए कुछ खाने के लिए। क्योंकि कुछ खाने में अगर चौक वॉक आए कुछ खाया नहीं तो बेकार है जाना। तो यहाँ का बहुत फेमस कटलेट होता है, तो ये फर्स्ट बोनी इन लोग की हम लोग से हुई थी, तो खुशी हुई कि हम लोग पहले इनके कस्टमर थे। देन मैंने पैक कराया क्योंकि मम्मी के साथ बैठे खाने में जो मज़ा है नहीं वो ऐसे नहीं है। तो यहाँ से हम लोग निकल गए घर की तरफ। तो यहाँ से मैंने पहले लिया सॉक्स अपने लिए स्किन वाले जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में, और ये बहुत जल्दी फट भी जाते हैं, इनके साथ यही कमी है। तो यहाँ पर हमने उन्हें लिए 40 रुपये के मुझे पड़े थे 20-20 के। उसके बाद हम लोग चले गए थे थोड़ा बहुत जैसे शॉपिंग करने में, इयरिंग वेयरिंग देखने, जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रही थी। मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मुझे जो चाहिए रहती उस टाइम वो चीज़ नहीं मिलती, और जब चाहिए रहता वो दिखता रहता तब मैं खुद नहीं लेती। तो यहाँ पे जो मुझे चाहिए तो थी नहीं, तो मैंने यहाँ पे शूट तो किया बट अच्छे अच्छे थे। यहाँ पे 50 100 के लगे थे, मतलब 50 100 के, तो सब अच्छे थे बट जैसा चाहिए तो मुझे वैसा नहीं था। तो यहाँ पे फिर हम लोग धीरे से निकल गए आगे। मेरा भाई भी बहुत परेशान हो गया था, सोच रहा था लड़कियों की भयंकर शॉपिंग होती है, बेचारा मेरे साथ चल रहा था साथ में, बट अच्छा भाई है ये चीज़ का मैं बोलूँगी, जहाँ बुलाओ वो चला आता हम लोग के लिए, तो ये चीज़ बहुत अच्छी भाइयों में। तो हम लोग फिर
तो मैं वी मार्ट में आ गया और मैंने आपके लोग के साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था, जो मैंने बताया था 1 रुपए में शॉपिंग, तो 1 रुपए में कहाँ शॉपिंग होती है, वो तो छोटा सा आपके साथ प्रैंक खराब कर दिया। आई होप सो आपको प्रैंक अच्छा लगा हो। 1 रुपए में बाबा नहीं लेता तो शॉपिंग क्या होगी, आप लोग तो दिमाग लगा सकते हैं ना। तो चलिए, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।